नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत त्यासो। कल इंस्टीट्यूट ने अपने ऐतिहासिक रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। एंड व्हाई ऐतिहासिक, व्हाई हिस्टोरिकल? बिकॉज बहुत ज्यादा स्क्यूडनेस था। मैं काफी टाइम से ऑब्वियसली टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स देख रहा हूं, बट इतना बड़ा डिफरेंस ग्रुप वाइज में मुझे नहीं दिखा। सो आई मीन थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर ग्रुप टू हैव क्लियर्ड एज कंपेयर टू ग्रुप वन। एंड मैं आपको बता दूं द मेन रीजन ये क्यों हुआ। आप बोलोगे सर आप बायस हो, बट ये हुआ है SCMP की वजह से। यस, दिस टाइम SCMP पेपर वॉज इजी मैनेजेबल, थोड़ा सा लेंथियर साइड पे था, बट ठीक है, आप कर सकते हो उतना। थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा अगर आपने किया होगा यू वुड हैव एबल टू मैनेज इट। बट सर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं भी हो पाए, तो लेट्स फाइंड आउट इन दिस होल वीडियो कि कहां आपसे गलती रह गई एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन दैट। सो प्लीज एंड तक वीडियो सुनना, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्यों हुआ ऐसा कि 31% रिजल्ट आया? वन ऑफ द रीजन इज येस, पेपर वॉज मैनेजेबल दिस टाइम। एंड अगर आप पुराने अटेम्प्ट्स के देखोगे तो इसके पहले नवंबर 22 था, पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड आप पास परसेंटेज भी देख लेना, ग्रुप टू में इतने अच्छे नहीं है। इनफैक्ट नवंबर 22 में तो बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो यूजुअली स्टूडेंट्स ऑप्शन ही छोड़ के जाते हैं, उसमें से ICAI हैड आस्क्ड मोर देन 50 मार्क्स। सो वो एक शॉकर था। उसके अलावा जैन 21 का पेपर देखो आप, SCMP का, जुलाई 21 का देखो, अराउंड 20-25 मार्क्स के क्वेश्चंस तो एकदम ऐसा लगे आउट ऑफ सिलेबस ही है। सो ऐसे टाइम पे द रिजल्ट्स वर नॉट गुड, बट दिस टाइम एक हाइप था कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा SCMP का, स्पेशली SFM और ऑडिट के बाद, बट द पेपर वॉज मैनेजेबल एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको कैपिटलाइज किया। तो कैसे कैपिटलाइज किया, कैसे मैक्सिमाइज किया SCMP में स्कोर करने का? बाय यूजिंग दीज फोर थिंग्स। पहला, गेट कंफर्टेबल विद थ्योरी। ठीक है ना, आप बहुत अपन लोग ने ये सुन लिया कि यार नहीं होता है थ्योरी, ये नहीं चलेगा। अगर अपने को नवंबर 23 जो लास्ट अटेम्प्ट है अपने लिए, ऐसा सोचो इंस्टीट्यूट नवंबर 23 के बाद बंद हो जाएगा, अगर आपको CA बनना है तो यही अटेम्प्ट है, इसके अलावा आप CA नहीं बन सकते हो, दे दो, डू और डाई सिचुएशन। जब तक अपने अंदर वो डू और डाई सिचुएशन नहीं लाओगे ना, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। ठीक है ना, सो डू और डाई इज गोइंग टू बी योर मंत्रा फॉर द कमेंट्स हियर। सो डू और डाई नहीं, वी विल डू, खत्म। सो क्या थ्योरी के साथ कंफर्टेबल हुआ जा सकता है? द आंसर इज येस। ये बार मैंने इंडिया टूर लिया था मई 23 के लिए, यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स। हम लोग ने तीन चैप्टर्स किए थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एंड आई कैन गारंटी दैट ऑलमोस्ट थ्योरी वॉज ऑन द टिप ऑफ द टंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जितना भी हम लोग ने किया। सो थ्योरी कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट इंडिया टूर में से पास हो गए या जिसने मेरा लेक्चर दिया है वो पास हो गए, बट एटलीस्ट मेजोरिटी हैव स्कोर्ड गुड, मेजोरिटी वर एबल टू क्रॉस द लाइन कंफर्टेबली। सो अभी वो जो एक टेंशन था कि यार सर थ्योरी नहीं हो पाता है, याद नहीं रहता है, वो एटलीस्ट वो आपका फियर ओवरकम हो जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग लो प्रॉपरली, ट्राई टू कनेक्ट इट विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो मैं करता हूँ, एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट। मतलब एटलीस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट जैसा चैप्टर है जो याद नहीं रहता है, वो हमारे इंडिया टूर के बाद, या अभी मेरा जो बैच चालू है, लाइव बैच चालू है SCMP का, यू कैन आस्क स्टूडेंट्स एनी टाइम एंड दे विल गिव यू द परफेक्ट आंसर्स फॉर ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस। सो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, एंड रट्टोफाई नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको चीजों को याद रखना है, दो तीन बार रिवाइज करना है, काम हो जाएगा। चैप्टर वाइज प्रेपरेशन ब्लॉक बना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी टेस्ट कंडक्ट किया था मैंने लास्ट वीक ही, तो हम लोग ने एक ब्लॉक बनाया ट्रांसफर प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, हमारे लाइव बैच के लिए, गूगल ड्राइव वालों के लिए ब्लॉक बनाया और उसका एक टेस्ट कंडक्ट कर दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट संडे एक टेस्ट है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का। तो ऐसे ब्लॉक करोगे ना, काइजेन सिस्टम जैसा होता है ना अपना, तो छोटा छोटा सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो और फिर देव यू विल फील मच रिलीव्ड। जो भी काम कर रहे हो कॉन्सेप्चुअली करो तो मजा आएगा, प्रैक्टिकल में सॉल्विंग करना पड़ेगा, तब जाके वो एक क्विकनेस आएगी जो ये बार के पेपर में था। ये बार का पेपर डिफिकल्ट जरा भी नहीं था, बट कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगा और मुझे भी लगा कि थोड़ा और ना लेंथियर साइड था, इसके लिए आपका कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल, मतलब बोलते ना जो इजी से एवरेज वो हुआ, वो उसकी वजह से हुआ। तो आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, विच इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड प्रैक्टिकली आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया। मुझे पता है कितने सारे स्टूडेंट जो लास्ट
तीन चार अटेम्प्ट से नहीं क्लियर हो पा रहे थे बिकॉज द पेपर्स वर डिफिकल्ट लेंदी एंड ऑल ऑफ दैट, हैव बीन एबल टू मेक इट दिस टाइम एंड विदाउट फेल. अगर ये मैं आपको इन राइटिंग दे सकता हूं आईसीएआई मटीरियल जैसे मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स अगर अपन ने बराबर से कर लिया देन देयर इज नो लुकिंग बैक इन दिस सब्जेक्ट. मुझे लग रहा है नवंबर 23 में भी मई 23 जैसा ही पेपर आएगा जहां पे कंटेंट पूरा आईसीआई का होगा. थोड़ा स्पीड टेस्ट करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे एंड अगर वो आपका अच्छा है यू विल बी एबल टू मैनेज इट. सो प्लीज प्लीज फॉलो दिस. कुछ स्टूडेंट्स का कल एक क्वेरी था कि सर अभी आप जो लाइव बैच ले रहे हो क्या हम उसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्या. सो अभी मेरा नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन ज्वाइन इन. सो आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, दे विल प्रोबेबली टेल यू दैट कब नया चैप्टर चालू हो रहा है. एंड हम लोग ने ये बैच में बहुत अच्छी तरह से मतलब 140 आवर्स अप्रोक्सीमेटली होगा एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग. पूरा थ्योरी ले लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, एवरीथिंग वी आर डूइंग एंड एक एक चीज स्टूडेंट को याद रह रहा है लॉजिकली एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो इट्स गोइंग प्रीटी गुड. जैसा मैंने बोला हम लोग के चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं. सो दो हो चुके हैं, नेक्स्ट तीन जो चैप्टर्स है उनका टेस्ट आने वाले संडे को है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगर आपको लग रहा है लाइव में आ सकते हो इवनिंग बैच इज देयर यू कैन ज्वाइन दैट. अगर आपको लग रहा है नहीं सर हम रिकॉर्डेड ही ले लेंगे बट आपके साथ एक फ्लो सेट कर देंगे विल डू दैट एज वेल. ये बार मेरा प्लान है दैट फॉर द गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स एंड लाइव स्टूडेंट्स हम लोग का प्लान है कि कुछ जूम पे सेशंस अपन रखेंगे. जस्ट यू नो एक फेस टू फेस काइंड ऑफ सेशन हो जाएगा, आइडिया रहेगा हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड कैसे इस सब्जेक्ट को अपन अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए कि सर आपको बताया SCMP की वजह से हमारा ग्रुप क्लियर हो गया. इससे सुकून वाली बात मेरे लिए और कुछ नहीं थी क्योंकि मैंने देखे है वो अटेम्प्ट्स भी जहां पे स्टूडेंट्स को 20s में आए हैं 30s में आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सब्जेक्ट दे हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर, जो ये बार भी हुआ. बट एटलीस्ट द रेशियो हैज डिक्लाइन. सो अगर आपका वो सिचुएशन वाला केस है या फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड यू फील दैट यू वॉन्ट टू टिक ऑल दीज फोर बॉक्सेस प्लीज डू दैट. अच्छा मार्क्स आ सकता है एंड आपका अगर SCMP बाकी है या वीक है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थियोरी पे पकड़ चाहिए प्रैक्टिकली अच्छा करना है थोड़ा टेस्ट लिख लेंगे थोड़ा सर से कनेक्ट हो जाएंगे देन आई विल सजेस्ट यू टू टेक दिस बैच. अदरवाइज रिवीजन वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर मेरे, वो भी आप सुन लो. मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा थियोरी प्रैक्टिकल चाय विद कॉस्टिंग विच इज 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट वो भी डाल दिया है. काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये बार देखा एंड दैट वाज रियली अगेन हेल्पफुल. सो करो अपने आप को थोड़ा हसल करो और थोड़ा मेहनत करो. आई नो यू हैव गिवन योर बेस्ट, थोड़ा सा और बेस्ट देंगे एंड वील बी देयर एंड नवंबर 23 विल बी आर लास्ट अटेम्प्ट. ठीक है. सो प्लीज ये बार जो 31 आया है ग्रुप 2 में उसको कंटिन्यू रखना है. इंस्टीट्यूट को ऐसा फील होना चाहिए हाँ भाई ये ग्रुप 2 डिजर्व करता है इतना परसेंटेज और मैं तो चाहूंगा ग्रुप 1 में भी यही लेवल पे 31% पे अपन लोग आ जाए. राइट, मैक्सिमम पीपल क्लियरिंग एंड मैक्सिमम पीपल गेटिंग देयर ड्रीम्स डन एंड डस्टेड. बट हसल करते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है कहीं पे भी, मेहनत अपन लोग कहीं पे नहीं छोड़ेंगे. तो इंस्टीट्यूट को उसके गेम खेलने दो, अपन अपना मेहनत का गेम खेलते रहेंगे. चलो लेट्स स्टे पॉजिटिव नाउ गाइस. काफी सारी नई चीजें और लाते रहूंगा मैं SCMP से रिलेटेड, SFM से रिलेटेड एंड विल स्टे इन टच, स्टे सब्सक्राइब्ड, कीप स्माइलिंग. हास्ता ला विस्ता. एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टेक केयर, थैंक यू सो मच.